बार भी हमारे ग्रुप के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वन एंड ओनली बॉब जेएसएम आका चंद्रशेखर वर्मा। जैसा कि हमारे डायरेक्टर ब्लॉक सोनी भाई ने बोला कि हम रेगुलर रहते हैं हर चीज में, चाहे वो ब्रदरहुड को लेकर के हो, राइट को लेकर के हो, किसी तो जैसा आप लोगों को पता है हम लोग आए थे हमारी एनिवर्सरी राइड के लिए और अभी है ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन कैस्टल खंडेला और अभी मैं उठा हूँ और सबको उठाने की तैयारी कर रहा हूँ। सब ऐसे सो रहे हैं घोड़े बेच के क्योंकि रात को 3 बजे तक पार्टी कर रहे थे और पार्टी करने के बाद में हाल ऐसा है कि कोई उठने को तैयार नहीं है, बट हम आए हैं और सबको उठा के ही जाएंगे। अरे 069 योगा बाबा इतना कितना सो गया, योगा फेल हो गया क्या आपका? दीवार से चिपके पड़े हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि कल रात से सोए जा रहे हैं। नींद तो निकालनी जरूरी है, इतनी कितनी नींद आ रही है भैया, थकान कितनी हुई है रात को? ऐसा क्या किया है आपने जो थकान हो रही है? ना आपने दारू पी है, ना आपने कुछ किया है, आपको थकान हो रही है। चलो पहले कैरम बोर्ड पे आके बैठ गए। अरे उड़ जा रहे मेरे छोटे चेतन, ऐसे दारू पी के सोया भंडो के, रात से तेरे को होश नहीं है। ये दूसरे मेहुल भाई फुल टल्ली होके सोए थे रात को और अभी तक उठने का कोई काम नहीं इनका। चाय भी ऑर्डर कर दिया था। अरे तो वापस सो गए, उठो चाय नहीं मिली। भाई साहब चलना भी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2018 में हम लोगों ने क्लब रॉरी हाउस बनाया जिसका मोटो सिर्फ एक रहा है आज तक, वी राइड टू एक्सप्लोर। और जब हम एक क्लब के रूप में 2018 में हम लोगों ने सोचा कि हम राइडिंग क्लब बनाते हैं, तब जयपुर में बहुत सारे क्लब ऐसे थे जो राइड कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई भी राइडिंग क्लब है जो कंटिन्यूसली सिर्फ राइड कर रहा हो। तो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ध्यान में रखा और हमारा मोटो जैसे रहा है वी राइड टू एक्सप्लोर और वी आर द मोस्ट एक्टिव राइडिंग क्लब इन राजस्थान। तो चाहे जितने भी राइडर्स हैं हम लोगों ने जितना भी ये सोचा था कि हमें बहुत ज्यादा राइडर्स नहीं चाहिए, वी आर राइड ओनली क्लब्स नॉट रीड ओनली क्लब्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जिसमें 250 मेंबर्स हैं, 300 मेंबर्स हैं, बट जिस दिन राइड होती है वहां पे अवेलेबल होते हैं 8 से 10 राइडर्स। अगर हमारे ग्रुप में 30 राइडर भी हैं और हम लोग एट टाइम 7-8 राइडर भी राइड कर रहे हैं तो हमारा रेशियो आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। तो 2021-22 हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहा, हम लोगों ने बहुत सारी टॉप नॉच वाली राइड्स करी जिसमें एक्सट्रीम विंटर राइड 2.0 जो हम लोगों ने पंजाब तक ग्रेट पंजाब राइड करी थी और जिसमें हमारे साथ में शेखर दादा भी थे, तो ऐसी बहुत सारी राइड्स हम लोगों ने करी है। कॉस राइडिंग को लेकर के हमारा क्लब हमेशा अवेयर रहा है। पहले हमारे साथ में थे अनूप भाई जो हमेशा अपना योगदान देते रहे हैं क्लब के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें छोड़ करके चले गए हैं कॉस्ट एरिया और अब वो शायद नया क्लब बनाएंगे अपना छोड़ के। और मैं बिग थैंक यू करना चाहूंगा अरुणेश भाई और लोग अपने साथ फैमिली को भी लेकर आए हैं और सबको बहुत अच्छा लगा इस जगह आके कैसल खंडेला। और मेरे ख्याल से 550-600 किलोमीटर राइड करके आना सिर्फ एक ब्रदरहुड के लिए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब बात करते हैं हम
जैसा मोटो रहा है हमारे राइडिंग क्लब का कि भी राइड टू एक्सप्लोर, और हम उसमें कुछ और नया लेकर आने वाले हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, बट हमने 15 अगस्त का ऐसा कोई विशेष प्लान नहीं बनाया है, उससे कुछ नया हम लोगों ने सोचा है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं सैल्यूट टू डिफेंस फोर्सेज राइड होती है दिल्ली में, जहाँ पे सबसे बड़ा राइडिंग कम्युनिटी है इंडिया का और बहुत सारे राइडर्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो क्यों ना हम राजस्थान में भी कुछ ऐसा करें। तो हम लोग करने जा रहे हैं 2022 का पहला सैल्यूट टू डिफेंस फोर्सेज राइड, जिसमें पूरे राजस्थान से राइडर्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और मोर देन 500 राइडर्स हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग उससे एसोसिएट करेंगे, और बहुत सारे अपने पास स्पॉन्सर्स हैं, क्लब हैं, तो जिनसे अपने साथ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और चलिए शुरुआत करते हैं एक नई राइडिंग कम्युनिटी की, एक नए राजस्थान की, एक राइडिंग राजस्थान की। अब जैसा कि अपने क्लब में होता आया है, इस बार जो हमारे सेक्रेटरी हैं अनुप भाई के जाने की वजह से, और सबसे बड़े कंटेंडर जो कि हमेशा जब से उन्होंने क्लब ज्वाइन किया हमेशा हर राइड पे वो अवेलेबल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो डिजर्व करते हैं इस चीज के लिए। तो इस साल के हमारे सेक्रेटरी हैं शिजित सेठी साहब। हमारे ग्रुप के एक बहुत फेमस कैरेक्टर हैं जिसको हम लोग कहते हैं 069 बाबा। हमारे ऐसा क्या करते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां उन्हें अपनी टांग नहीं अड़ाई। वो अपनी टूटी टांग से पूरे इंडिया को नाच चुके हैं, और अभी लगराते लगराते आप लोगों के सामने आएंगे। वो है हमारे ग्रुप के भाई इस साल के रोड कैप्टन मिस्टर नरेश भाई। तालियां बजने से पहले मैं बता दूं कि इनके ऊपर एक गाना बना हुआ है, गली गली में फिरता हूं मैं बन के एक बंजारा, तो वो इन्हीं के ऊपर है और इसीलिए हमने इनको रोड कैप्टन बनाया है। तो इसी कड़ी में अगला नाम है हमारे सबसे मूछ मरोड़ भाई साहब का, जिनको नरेश भाई के साथ पूरा इंडिया जानता है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई राइडिंग ग्रुप नहीं बचा जिसमें ये ऐड ना हो। और मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई राइडर गुजरता होगा जयपुर से जो इनके दर्शन अभिलाषी ना होता हो। तो जब भी आते हैं तो मत्था टेक के जाते हैं, और जिसका नाम है मिस्टर प्रवीण बिष्ट साहब। तो वैसे पिछले साल भी ये रोड सेफ्टी देखते थे, और इस बार भी ये सेफ्टी ऑफिसर है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे भाई साहब की बुलेट ऐसी है कि उसको देख के पूरी दुनिया रास्ता दे देती है, और जब भी हमें किसी स्पेशल इवेंट में जाना होता है तो इनकी गाड़ी चलती है सबसे आगे सायरन के साथ में। तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे साथ में प्रवीण भाई। मिस्टर मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से हमारे राइडिंग कल्चर में, इस जयपुर के राइडिंग कल्चर में जब उनकी एंट्री होती है किसी भी इवेंट में या किसी भी जगह पे, तो 50 जने इस तरफ खड़े होते हैं और 50 जने उस तरफ खड़े होते हैं, और जब वे सामने आते हैं तो बोलते हैं सर एक फोटो प्लीज मेरे साथ। तो सबको मालूम होगा वो नाम कौन सा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस बार भी हमारे ग्रुप के
असिस्टेंट डायरेक्टर है वन एंड ओनली बॉब जेएसएम आका चंद्रशेखर वर्मा। हम दोनों एक जैसे दिखते थे वो यहाँ से कोई जज ना करे और यहाँ से भी कोई जज ना करे बड़ा जज करे तो मेरे मेरे लिए शुरू से जब मैं जब से शेखर दादा को जानता हूँ मेरे लिए बड़े भाई की तरह रहे और मेरे ख्याल से मेरी पूरी लाइफ में मेरे बड़े भाई की तरह रहे तो तालियां बजती रहे ऑनर ऑनर थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं फोर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए क्लब रोइंग बॉक्स की और इस नाम ने जो हम सबको दिया है एक राइडिंग ब्रदरहुड दिया है और एक वो पहचान दी है जो मोस्टली नहीं मिल पाती राइडिंग क्लब के अंदर। हर जगह पर इज्जत है हर चीज़ है राइडिंग से हमारी रेगुलर जैसा कि हमारे डायरेक्टर गौरव सोनी भाई ने बोला कि हम रेगुलर रहते हैं हर चीज़ में चाहे वो ब्रदरहुड को लेकर के हो राइड को लेकर के हो किसी भी चीज़ को लेकर के हो और इसी वजह से हम जाने जाते हैं दैट्स व्हाई वी कॉल क्लब रोइंग बॉक्स। और मैं आप सबके सामने बुलाना चाहूँगा हमारे क्लब रोइंग बॉक्स के डायरेक्टर गौरव सोनी जी को उनके सम्मान में हमने एक चीज़ रखी है या तो उनको पेश करना चाहेंगे सुपर थैंक्स टू ऑल माय बडीज। ये टाइम है चलने का और हम लोगों ने तैयारी कर ली है चलने की बट जाने से पहले आप लोगों को एक बार रूम में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जाने की क्या तैयारी है। ये जाने वाले तो रंग जमा के बैठे हैं आँखों में कैसे रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी। आती है कि पूछे जाती है घर का बुलाओगे। आफ्टर आवर रोरिंग सेलिब्रेशन इट्स टाइम टू गो होम और हम लोग अभी निकल रहे हैं खंडेला से जयपुर के लिए। तो बाहर पूरी तैयारियां हो चुकी है बाइक से और हम लोग हैं अभी रेडी टू फ्लाई। तो बाइक्स रेडी हैं सबकी जाने के लिए निकलने के लिए। सारे भाई लोग यहाँ सेट खड़े हैं निकलने के लिए और टाइम हो गया है लगभग दोपहर के 2 बजे और धूप निकली है कड़क वाली जगमगाते खंडेला के सामने। हम अब निकल रहे हैं यहाँ से हम
चल मैडनेस फॉर राइड, मैडनेस यूं ही चलती रहेगी, आप लोगों से यूं ही नई नई जगह के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा और जल्दी मिलेंगे आप लोगों से चलते चलते। बाय, टेक केयर, लव यू। बहुत अच्छी थी बट बुरी तरह भीगने के बाद में और अफलातून वाली राइड करने के बाद में मैं लगभग आधे घंटे पहले में पहुंच गया हूँ मेरे घर पे और बाइक कर दी है खड़ी। अभी मैं खड़ा हूँ मेन रोड पे और वेट कर रहा हूँ हमारे साथी राइडर्स सिद्धिश भाई का, जो कि यहाँ आने वाले हैं हमारे पास में और लगभग वो आने ही वाले हैं। देखते हैं उनके क्या हाल है। और बाकी लोग रह गए हैं पीछे, बाद में पता चलेगा कि वो लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। हमारे क्षितिज भैया भी फाइनली पहुंच ही गए अभी। पहुंच ही गए आप हैं।